नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। दोस्तों बारिश होने लग गई है और बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे यहाँ बैंगलोर में, मेरे स्पेसिफिक एरिया में मैंने कम से कम 10 से 15 केसेस देख लिए हैं डेंगू के। तो आज मैं बात करूँगी कि डेंगू आखिर क्यों होता है, इसके लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन आप होम्योपैथी की यूज़ करके अपने डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आप डायग्नोस्ड हो गए हैं डेंगू के लिए, आपको पॉजिटिव आया है डेंगू टेस्ट आपका, तो आप कौन सी मेडिसिन लेकर अपने डेंगू की परेशानी को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेंगू फीवर के बारे में। दोस्तों डेंगू फीवर मच्छर यानी कि मॉस्किटो से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है। यह है एक वायरल इन्फेक्शन, लेकिन इसका जो सोर्स होता है वो मच्छर होता है। मच्छर कैसा, मच्छर दोस्तों एक एडीज नाम का वायरस होता है जो वो अपने अंदर उसको पालता रहता है, आप ये बोल सकते हैं, और वो इन्फेक्टेड मच्छर जब आपको काटता है तो वो एडीज वायरस को आपके शरीर में छोड़ देता है। उसके आपके शरीर में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, बहुत ज़्यादा वायरसेस बनाता है, और आपके शरीर में वायरस के, सॉरी डेंगू फीवर के सारे सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके शरीर में दोस्तों डेंगू रैशेस डेवलप होने लगते हैं, या स्पेसिफिक रैशेस होते हैं जो आपको रेड रेड कलर के चिपतीदार आपको रैशेस देखने को मिलेंगे, सीवियर बॉडी पेन देखने को मिलेगा, एक एक ज्वाइंट में दर्द होता है दोस्तों, इतना मतलब हाई ग्रेड एक तो फीवर आता है, बॉडी पेन होता है, बहुत लोगों को पेट में दर्द की शिकायत भी होती है, उल्टी होती है, डायरिया भी बहुत लोगों में देखने को मिला है, और अगर आप ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे तो आपके प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है, क्योंकि बहुत लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वायरल जो फीवर होता है उसके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक डेंगू के इस फीवर, क्योंकि ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, तो नॉर्मल जो फ्लू वायरस होता है और इस इन्फेक्शन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एग्जैक्टली उनको वायरल फीवर हुआ है, नॉर्मल फ्लू वाला, या डेंगू फीवर हुआ है। तो अगर आपको जो फीवर है वो बॉडी पेन 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता हुआ लग रहा है, और आपके आसपास के एरिया में भी अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स वाले पेशेंट्स मिले हैं, तो आप डेफिनेटली आप जाके अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं और देखें आपका प्लेटलेट्स काउंट सही है या नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट सही मिल रहा है तो मीन्स आपको वो डेंगू वाला फीवर ना होके नॉर्मल फ्लू फीवर हुआ है, और अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो एश्योरेंस के लिए आप डेंगू टेस्ट भी होते हैं, आप उसको जाके करा सकते हैं, उससे आप एश्योर हो सकते हैं कि आपको डेंगू पॉजिटिव है या नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, कि अगर आपके शहर में, जैसे यहाँ अभी फिलहाल हमारे बैंगलोर में स्पेसिफिक मेरे एरिया में डेंगू के कई केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके शहर में भी है, आपके एरिया में भी है, तो आपको क्या करना है एज ए प्रिवेंशन, आपको यूपेटोरियम पर्व नाम की एक दवा आती है दोस्तों, 30 पोटेंसी में आपको रखनी है, अपने पास लेके आए, घर के जितने प्राणी हैं उन सभी को दें। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो एक बूंद आप डायरेक्टली टंग पे दें सुबह शाम करके, लगभग एक मंथ तक आप खिलाएं, या जब तक आपके एनवायरमेंट में, आपके आसपास के एरिया में वो कंडीशन बनी हुई है तब तक आप लेते रहें। और अगर बड़ों को दे रहे हैं तो 2 बूंद आप डायरेक्टली टंग पे दें सुबह शाम, आपको ऐसे लेनी है, मिनिमम आप 1 महीने तक तो ले ही, क्योंकि जो ये रेनी वेदर होता है दोस्तों, जो बारिश वाला मौसम होता है, बहुत ज़्यादा प्रोन होता है स्पेशली डेंगू फीवर बनने के लिए, क्योंकि जहाँ बारिश होती है पानी इकट्ठा होता है, और इस पानी में दोस्तों जो जो डेंगू के मच्छर होते हैं, मतलब डेंगू के जो एडीज वायरस को कैरी करने वाले मच्छर होते हैं, वो रुके हुए पानी में जाके अपने लार्वा देते हैं, वहाँ ढेर सारे मच्छर बनते हैं, और ये इन्फेक्शन और रैपिडली एक एपिडेमिक कंडीशन ले लेता है, एक महामारी जैसी कंडीशन लेने लग जाता है दोस्तों।
ये हो गई दोस्तों प्रिवेंशन के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डायग्नोज हो गए हैं डेंगू तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, अपने बॉडी में फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखें, पानी का स्तर कम ना होने दें। बच्चे में या बड़ों में वीकनेस बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है और प्लेटलेट्स काउंट लगातार कम हो रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक होने लग जाती है और कहीं बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो गई है, यानी कि इसमें डेथ की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आपको फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत रखना है। कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन में अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो घर पर ना रहें, आप हॉस्पिटल चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट दिया जाएगा। आपका फ्लूइड अच्छे से ध्यान में रखा जाएगा कि बॉडी में पानी की कमी नहीं हो रही हो और वो अच्छे से आपके बॉडी के हर छोटे छोटे टाइम पे वो कैलकुलेट करते रहेंगे कि परेशानी किस हद तक बढ़ चुकी है। अगर कंडीशन आपकी, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको मतलब हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है या कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि आप नहीं जा सकते हैं, तो या साथ में भी अगर आप हॉस्पिटल में भी हैं तो ये दवाएं आप डेफिनेटली अपने पास रखें और उसको साथ में शुरू करके रखें दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। इसमें एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, दूसरा एक पिल्स कॉम्बिनेशन है। आप एक छोटी सी बॉटल ले लें, लगभग 2 ग्राम की बॉटल लें, उसमें आप 30 नंबर की गोलियाँ जो आती हैं शुगर पिल्स की, आप उसको भर लें और उसमें आपको ये 5 दवाएं मिक्स करके लेनी है, जिसमें है सबसे पहले एकोनाइट, जो हर एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छी काम करती है, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। नंबर 2 है यूपेटोरियम पर, जिसको मैंने प्रिवेंशन के लिए भी बताया है, लेकिन इसमें ये फीवर को कम करने में आपको बहुत मदद करेगी, तो आपको यूपेटोरियम पर की भी 30 पोटेंसी लेनी है। नंबर 3 मेडिसिन है दोस्तों जेलसीमियम, ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जो डलनेस आ रही है, कमजोरी आ रही है, उसको कम करने में बहुत मदद करेगी। नंबर 4 मेडिसिन है RT यानी कि रेस्ट्रॉक्स 30, ये बदन दर्द, जोड़ों के दर्द, इनको कम करने में मदद करेगी दोस्तों। और नंबर 5 मेडिसिन है ईपीकॉक फॉर वॉमिटिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, उसको कम करने में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो इन 5 दवाओं को आप उस छोटे से ड्रम वाली बॉटल में डाल लें छेद, और उसके बाद अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई लग रहा हो, सबकी लगभग 10-10 बूंद आप डाल लें, तो एक बॉटल पूरी तैयार हो जाएगी। अब उसको आपको कैसे लेना है, अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत हाई ग्रेड पे है, तो आप 1-1 घंटे पे रिपीट कर लें। अदरवाइज़ अगर बुखार आपका मैनेज है, तेज़ बहुत बुखार नहीं है, तो आप इसको दिन में कम से कम 3-4 बार लें। तो ये हो गई दोस्तों डाइल्यूशन के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के लिए, इसमें हमें 3 मेडिसिन को यूज़ करना है। तो सबसे पहली मेडिसिन आपको, जो हमने डाइल्यूशन में ही यूज़ की है, उसको क्यू फॉर्म में भी लेनी है, उसका नाम है यूपेटोरियम पर मदर टिंचर दोस्तों, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पे है और आपको उसको इमिडिएटली कम करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसको क्यू फॉर्म में लेना है। दूसरी मेडिसिन लेनी है दोस्तों ऑसिमम सैन, तुलसी से बनने वाली दवा दोस्तों, बहुत आप जानते हैं तुलसी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट होते हैं उसमें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और तीसरी मेडिसिन है दोस्तों इचिनेशिया मदर टिंचर, ये एक तरह से आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को इंप्रूव करने में, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, एक तरह से एंटीबायोटिक जैसा काम करेगी आपके शरीर में। इन तीनों ही दवाओं को दोस्तों आप मिक्स करें और इसकी 20-20 बूंद, अगर हाई ग्रेड फीवर है तो आपको 1-1 घंटे पर लेनी है, नहीं तो अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर डाउन हो चुका है तो आप इसके दिन में 3-4 बार दवाएं लें। तो डाइल्यूशन का जो एक पिल्स वाला हमने बनाया है और जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपको लेनी है। इन दोनों दवाओं के बीच में 5-10 मिनट का अंतर रखें और इसको तब तक लेते रहें जब तक आपकी बॉडी में दर्द और फीवर कम नहीं हो जाता, और एक बार कम भी हो जाता है उसके बाद भी आप इसको कम से कम 5-6 दिन तक लगातार लेते रहें, ताकि आप में थोड़ा सा भी अगर वायरल इन्फेक्शन बचा हुआ है तो वो ये दवाएं उसको कम्प्लीटली ठीक कर दें दोस्तों। बात हो गई दोस्तों दवाओं के बारे में, थोड़ी सी प्रिवेंटिव बातें मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपके एरिया में डेंगू फैला हुआ है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों, अपने आसपास पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि ये जो भी डेंगू हैं के मच्छर हैं, वो खुले पानी में जो भी हैं उनमें वो अपने अंडे देते हैं, उससे उनका लार्वा बनता है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डेंगू मच्छर फैलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जब भी बाहर निकल रहे हैं तो लगभग फुल स्लीव क्लोथ पहनें, ताकि आपकी बॉडी पे मच्छरों का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम हो पाए। आप कवर रखेंगे तो आपको मच्छर कम काटेंगे, स्पेशली बच्चे जब भी बाहर खेलने जाते हैं, क्योंकि उस दौरान ही उनको मच्छर सबसे ज़्यादा काट सकते हैं। तो बाहर जा रहे हैं तो कभी आप ओडोमास या ऐसे लिक्विड्स आते हैं जो उनके क्लोथ पे लगा दीजिए या हाथ पैरों में लगा दें, ताकि उनको मच्छर नहीं काटें।
चौथी चीज़, आप मच्छरदानी का प्रयोग करें अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो, या फिर अगर मच्छरदानी अवेलेबल नहीं है तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं आप उनको यूज़ करें, लेकिन उनको यूज़ करते समय आप खिड़की को अच्छे से खोल के रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, क्योंकि वो खुद आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, और प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते रहें अगर आपके एरिया में डेंगू फैला हुआ है तो, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।